बीच। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग फ्रॉम हिमाचल। तो गाइस, अभी हम हिमाचल में एंटर हो चुके हैं। हमारी बस रुकी है सामने ये वाली, और अभी हम यहाँ पे पी रहे हैं चाय और हमें बस में बैठे हुए पता नहीं कितने घंटे हो चुके हैं। नहीं, कुछ नहीं खाऊंगी। आप खा लो अगर खाना है। बहुत गर्म है। गाइस देखिए, यहाँ पे हालात तो वैसे ख़राब है। देखो, लैंडस्लाइड हुआ पड़ा है। सारी ये जो ये ना टूट गई है सारी, वो देखो इन घरों को भी कितना खतरा है। गाइस देखिए इधर क्या हाल हुआ है, सारी सड़क ब्लॉक हो गई है। बहुत बुरे हालात हैं इधर। 4 लेन लग नहीं रहा है, 2 लेन लग रहा है। गाइस देखिए 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 हाल। देखो गाइस, पूरा पहाड़ी नीचे उतर गए। सो गाइज, हम लोग शिमला पहुँच चुके हैं और हमने जहाँ पे स्टे करना है वो है मेरे रिलेटिव, तो मुझे हमें लेने आ गए हैं। हाँ, कहाँ गए थे आप? चलो वेट करना पड़ रहा है। ससुराल से, ससुराल का तोहफा। छनो छनो आजा आजो, कम ये ना पूरा मेरे पीछे भी रहा है। मेरे को डर लग रहा है इसको देखना यार। शिनो ठीक हूँ शिनो, मेरे को कर रहा है ये प्यार। ये डॉगू, इसका नाम है स्नो, बहुत ही क्यूट है। स्नो मैं जहाँ भी जा रही हूँ ना, ये मेरे पीछे पीछे आ रहा है। लोटावत। सो अभी हम नहा धो के फ्रेश फ्रेश हो लिए हैं, खाना भी बन रहा है, ऑलमोस्ट बन ही गया है। फिर हम खाना खाएंगे और थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और आज कुछ नहीं करेंगे। फिर मैं थोड़ी देर के लिए पढ़ूंगी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, और कल मेरा एग्ज़ाम है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एग्ज़ाम देने के लिए, और मुझे डर भी लग रहा है कैसा होगा। और स्नोइश हो गया है, इतनी क्यूटली दिखाती हूँ आपको। चुनो ये हमारी कड़ी बन चुकी है, हमारी दाल बन चुकी है, यहाँ बन रहे हैं हमारे चावल, और स्नो मेरे पीछे पीछे आ गया। क्या चाहिए? सो गाइस, अभी बज चुके हैं 6 शाम के और हम लोग गए थे। सो हम लोग सो गए थे और यहाँ पे बारिश होना शुरू हो गई है और बहुत ज़्यादा थक गए थे यार। मेरी तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी बस में। बहुत ही अच्छा नज़ारा है बाहर। थोड़ी देर यहाँ पे खड़ी होती हूँ, फिर मैं पढ़ती हूँ कुछ यार, मैंने पढ़ना है कुछ एक दो चीज़ें। इतनी फॉग फॉग हो गई है ना हर जगह, मैं दिखाती हूँ। ये देखो गाइस, बारिश तेज हो गई। सो गाइस, अभी हो गई है न्यू मॉर्निंग और मैं तैयार हो चुकी हूँ सुबह सुबह
8 बजे एग्जाम देने के लिए। खेल रहा है ये। ऐसे खेलता है। ओए। दौड़ा तो जाता नहीं तेरे से भाई। आपने इसको डराया ना। चुनाऊ चुनाऊ। सो अभी हम निकल पड़े हैं घर से एग्जाम देने के लिए और ये लोग मुझे छोड़ने जा रहे हैं। मुझे छोड़ के वापस आ जाएंगे क्योंकि मेरा एग्ज़ाम है 9 to 5। तो इतनी देर क्या करेंगे वहाँ पे, फिर मुझे पिक करने के लिए आ जाएंगे। ये क्या है, गुरुद्वारा? कितनी देर लगेगी अब हमें? हनुमान जी, जय हनुमान जी। किधर गए हनुमान जी? हनुमान जी, अरे तो गाइज मैं अपने स्कूल में पहुंच चुकी हूँ। इधर अंदर स्कूल है, इधर अभी गेट ओपन नहीं हुआ है। और देखो ये जो ये वाली बिल्डिंग दिख रही है ना, ये बिल्कुल नीचे आने वाली है। ये देखो यहीं से जूम आउट। हाँ ये लोग जा रहे हैं मुझे छोड़ के। अब जाओ आप लोग। गाइस ये वाली बिल्डिंग बिल्कुल खतरे में है। सी सो गाइस मेरा एक एग्ज़ाम हो चुका है, अब मेरा दूसरा एग्ज़ाम है थोड़ी देर में। तो हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे पढ़ रहे हैं सब लोग अपना। कई लोगों का एक ही एग्ज़ाम था, वो एग्ज़ाम दे के जा चुके हैं। जिनका दूसरा भी है वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये रही वो जो गिरने वाली है, जस्ट भगवान इसको बचा ले। काफ़ी बड़ा स्कूल है और सुंदर भी है। रिपोर्टर्स कैसे इंतज़ार में खड़े हैं कि कब गिरेगी। उधर फील हो रहा था ऐसे, सब लोग अपना खाना वाना लेके आए थे, लंच लंच हाँ लगे हुए थे उधर। कर अपने थोड़ी बना दिया ना, देखते हैं चलो क्या मिलता है रास्ते में। करती हूँ। सो गाइस देखिए रास्ते का कितना बुरा हाल हो गया है। अरे इधर भी पत्थर पुत्थर हैं। इधर से कोई जा रहा होगा और ऊपर से ऐसे गिर जाएगा तब तो। कहाँ? ओह इधर गिर गया। बिल्डिंग्स इधर से दिखेगी अपन। यहाँ से उतना क्लियर नहीं दिख रहा है। फिर भर्त मिलाप हो गया तो चलो ठीक है बाय। गाइस अभी हमने यहीं बस स्टैंड पे खाना वाना खा लिया, अब हम बस लेंगे और निकलेंगे गुड़गांव के लिए वापस। गाइस मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और प्रशांत जी मेरे बहुत अच्छे पति हैं। बेचारे ने मेरा लिफ्ट ये ऐसे लो। बज रहे हैं सुबह के 5:30 और हम लोग अभी अभी जस्ट पहुंचे अपने रूम पे। तो हमारा जो शिमला से आने का सफ़र था वो बहुत ही मस्त रहा क्योंकि हम बढ़िया आराम से सो के आए अपनी बस में। ये वाली बस हमारी बहुत ही अच्छी थी
बट हाँ इसमें हमें ठंड लग रही थी क्योंकि ये एसी वाली बस थी, और जाने वाली बस तो इतनी बेकार थी ना कि क्या ही बोले, बहुत ही बुरा सफर रहा हमारा। तो आप मान सकते हो कि हम कल शाम को 6:20 पे बस हमारी चली थी वहाँ से, और सुबह 5:30 बजे हम लोग रूम पे पहुँच रहे हैं, तो कितना लंबा हमारा सफ़र था। तो बट अच्छा रहा ये वाला। बट जैसे ही यहाँ पे हम आए तो हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, वहाँ पे इतना मस्त ठंड थी और बस में भी बहुत ज़्यादा अच्छी ठंड थी क्योंकि वहाँ पे भी एसी था, और यहाँ पे तो बाहर इतनी गर्मी लग रही थी ना कि क्या ही बोले। तो आपको मेरा ये वाला वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।